देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। आज तक क्विक एक्सप्लेन में आज हम आपको अपने संविधान से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं किसने लिखा था भारत का संविधान। बेशक इसका जवाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही प्रिंट, इसे हाथों से लिखा गया था। भारत के संविधान की मूल प्रति दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई है। पेशेवर कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम के लिए उन्हें 6 महीने, 303 निब और 254 बोतल स्याही लगी थी। उस समय संविधान में कुल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 1 प्रस्तावना थी। इसे लिखने में रायजादा ने एक भी गलती नहीं की थी। नारायण रायजादा की वो शर्त, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद प्रेम बिहारी से इटैलिक स्टाइल में संविधान लिखने की गुजारिश की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेम बिहारी ने इसके लिए कोई मेहनताना नहीं लिया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के आगे इसके लिए बस एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम होगा और आखिरी पन्ने पर उनका और उनके दादाजी राम प्रसाद जी सक्सेना का। संविधान की हिंदी कॉपी वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। हाथों से सजाया गया हमारा संविधान। हमारे संविधान को न सिर्फ हाथों से लिखा गया बल्कि इसके कवर से लेकर इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उनकी टीम ने अपनी सुंदर कला से सजाया था। इन कलाकृतियों में देश के इतिहास को समेटने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि संविधान सजाने वाले नंदलाल बोस ने ही देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पद्मश्री को भी डिजाइन किया था। कैसी दिखती है संविधान की मूल कॉपी? 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी संविधान की पांडुलिपि चमड़े की काली जिल्द में है जिस पर सोने की कारीगरी है। इसे पार्चमेंट कागज पर लिखा गया था। ये कागज इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से मंगवाया गया था। भारतीय संविधान की अंग्रेजी में लिखी मूल कॉपी और उसका हिंदी अनुवाद आज भी भारत की संसद की लाइब्रेरी में कांच के बने बक्सों में रखी हुई है। कैलिफोर्निया में बने इस सीलबंद बक्सों में हीलियम भरी है जो पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।